कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा प्रश्न है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857 बार। बार का मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट होते रहेंगे भाग में। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए, हमने 1/7 था तो अंदर 1 रखकर और 7 से भाग किया। 1 7 पे नहीं आता था तो सबसे पहले हमने लगाया दशमलव, तो यहां बन गया 0। 7 को 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, आगे है 0, तो 7 चौके 28, आगे है 2, दशमलव की वजह से लग गया 0। 7 दूनी 14, 20 में से 14 निकाले 6, ये बन गया दशमलव की वजह से इसके पीछे 0 लग गया तो 60। 7 8 56, 60 में से 56 निकाले तो बन गया 4, 0 40, 7 5 35, तो 40 में से 35 गए 5, पीछे दशमलव लगा था इसलिए लग गया 0, 50, 7 7 49, 50 में से 49 निकाला 10। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 10 है और ये भी 10 है, इसका मतलब अगर दोबारा यहां 10 को 7 से भाग करेंगे तो यह भाग फिर से शुरू हो जाएगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 निकाला 3, पीछे 0, 7 चौके 28, इस प्रकार से यही जो चीज हम यहां पर भाग कर रहे थे यही यहां पर दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए 1/7 को जो हम दशमलव प्रसार लिखा वो लिखा 0.142857 बार। बार का मतलब कि ये 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा गया है 2/7 का दशमलव प्रसार। यदि अब दोबारा से भाग नहीं करना है, हमें यहां देखना है 2, 2 कहां आ रहा है शेष, ये रहा, ये देखिए, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप पर हमने 2 को 7 से भाग किया था, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा भागफल आया इसमें भी तीसरा स्टेप देखेंगे, 1 2 3, ये वाला। 2 को 7 से जब 2 को 7 से जब भाग किया तो हमारे पास आया था 2, उसके बाद ये रिपीट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, तो इस प्रकार से 2/7 का जो दशमलव प्रसार बन जाएगा वो बन जाएगा 0.285714। इसे हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये पहले लिखे हुए हैं। अगला है दशमलव प्रसार 3/7 का। ध्यान से देखेंगे यहां पर 3 कहां है, 1 2, दूसरे स्टेप पर 3 को 7 से भाग किया है, तो हम क्या करेंगे, अपने दशमलव प्रसार में तीसरा स्टेप देखेंगे, सॉरी दूसरा स्टेप देखेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेप पर 3 लिखा है पहला, दूसरे स्टेप पर हमारे पास आ रहा है 4, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो 4 से शुरू होगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, 7 के बाद आएगा 1, उसके बाद है 4, वो हम पहले ही लिख चुके हैं, ये आ जाएगा 3/7 का दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से 4/7 का दशमलव प्रसार देखने के लिए हम देखेंगे 4 कहां है, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 6 है, यहां 4 है। स्टेप गिनिए, 1 2 3 4, पांचवें स्टेप पर, तो आप भागफल में पांचवा स्टेप देखिए, 1 2 3 4 5, ये है, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है 5 से शुरू होगा, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 1, उसके बाद है 4, फिर है 2, फिर है 8, 5 हम पहले लिख चुके हैं, तो 4/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो ये होगा। इसी प्रकार से 5/7 के लिए हम देखें, 1 2 3 4 5, 6वें स्टेप पर 5 आया, तो दशमलव प्रसार में 6वां देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6वें स्टेप पर है 7, 7, 7 के बाद फिर क्या रिपीट होगा, 1 4 2 8 5,
सात हम पहले लिख चुके हैं, तो ये पांच बटा सात का दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार से हमारे पास है छह बटा सात, तो हम देखेंगे छह कहां है, एक दो तीन चौथे स्टेप पर है छह, जीरो दशमलव चौथा स्टेप देखेंगे यहां फिर से, एक चार दो तीन चार चौथे स्टेप पर है आठ, तो जीरो दशमलव आठ, आठ के बाद लिखेंगे फिर पांच, फिर लिखेंगे सात, फिर लिखेंगे एक चार, फिर दो, आगे है आठ, आठ हम लिख चुके। इस प्रकार से हमने एक बटा सात को भाग करके दशमलव में बदला, उसके बाद हमने दो बटा सात, तीन बटा सात, चार बटा सात, पांच बटा सात और छह बटा सात को बिना भाग किए ही इसी भागफल से हमने इन बाकियों के भी दशमलव प्रसार बना दिए हैं।